बड़े खराब हो रहे हैं कोरोना के। अगर कोई मिलिट्री हॉस्पिटल में अगर हमें कोई सपोर्ट मिल सके, कोई बीच में कोई एक दो पेशेंट, हाँ तो मेरी कल मैडम से भी बात हुई थी, लेकिन वो कोई मिलिट्री वालों के पास टेस्ट की सुविधा भी है। तो मैं अभी दोबारा पूछ लेता हूँ। हाँ तो कोई एक दो केस बीच में कोई युवा कोई ऐसा, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो इमरजेंसी का टाइम ठीक है। आज ईदगाह पे आए हैं हम आदर्श कॉलोनी, यहाँ पे मास्क और सैनिटाइज़र की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है जो डॉक्टर साहब ने दिल्ली से भेजे हुए हैं। इस टाइम पे ज़रूरत भी है इस सब की, और ज़रूरत के साथ ही हम लोग भी चल रहे हैं इस टाइम पे। नमस्कार जी, आप सभी को ईद मुबारक जो कल है, और आपको ये एक डिसीजन हुआ कि डॉक्टर साहब ने बोला कि दिल्ली से जो सामान आया था ये कल ही पहुंचा हमारे पास आपको, तो कल ईद का पावन दिन है, उसी उपलक्ष पर आजकल कोरोना चल रहा है, हमने सभी साथियों को नहीं बुलाया, हमारे कुछ जैसे माधवर तेरा के काउंसलर राकेश जी, एडवोकेट सुनील जी, काउंसलर पंकज परोज जी, हम सब आए साथी मिलकर जामा मस्जिद ऊपर में आए, और तनवीर भाई और इमाम साहब से रिक्वेस्ट की सुबह सुबह ही, और आज हमने इनको जो सामान दिया है, कल जो भी हमारे साथी ईद पर आएंगे उनको ये सैनिटाइजर और मास्क बांट दिए जाएंगे। इसके साथ साथ तनवीर भाई ने हमें आश्वस्त किया है कि कल उस तरीके से भीड़ भाड़ नहीं होगी, जो भी हमारे कुछ लोग आएंगे तो अच्छे से नमाज पढ़ेंगे, और आज इन्होंने अल्लाह के आगे दुआ की कि हम इस कोरोना महामारी से पूरे देश को पूरी दुनिया को बचाने के लिए इन्होंने दुआ की, हम इसके लिए इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। माननीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के दिशा निर्देश अनुसार हमें सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट्स, इस तरह की सामग्री इस कोरोना काल के अंदर जंग लड़ने के लिए हमें हथियार के रूप में पहुंची है। आज इन सभी हथियारों को माननीय सांसद जी का आदेश था कि कल ईद का पावन अवसर है, ईद मुबारक का दिन है, तो इसको कहीं ना कहीं जामिया मस्जिद, ईदगाह और अन्य मस्जिदों में पहुंचाया जाए, ताकि जिस तरह की भी उपयोग लोगों को इसका ले सकते हैं वहां तक ये पहुंचे। आज उसी आदेश के मानते हुए हमारी युवा मोर्चा उधमपुर की टीम, हमारी सिटी मंडल भारतीय जनता पार्टी उधमपुर की टीम आज यहाँ पे आदर्श कॉलोनी ईदगाह में पहुंची है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं यहाँ के इमाम साहब का, हमारे यहाँ के मुस्लिम के जो ये ईदगाह है उसके भी प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी मुस्लिम एसोसिएशन के, उनका बहुत शुक्रगुजार करते हैं। और खासकर जब हमें पता चला कि ईद के इस पावन अवसर पर उन्होंने लोगों को ये मैसेज भी दिया है और आग्रह भी किया है लोगों से कि बेशक ईद है, हम घर से नमाज अदा करें, हम घर से अल्लाह ताला को याद करें, हम यहां पे हजूर ना लें। और आज इस अवसर पर हमने ईद मुबारक देते हुए अब सभी भाइयों को हमने आज यहां पे मास्क और सैनिटाइजर डॉक्टर साहब के कहने पे पहुंचाए हैं। मैं डॉक्टर साहब की तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक भी देता हूं, और यह भी कहता हूं कि जो ये ईद का त्योहार है, हम सभी अल्लाह खुदा भगवान यीशु मसीह और भाई गुरु से ये आग्रह भी करते हैं कि ये जो महामारी है इसमें जो मसीहे हैं हम सबको बनना है, और इस मसीहे के रूप में बनते हुए हमें इस महामारी से लड़ने के लिए प्रत्येक मापदंड अपनाना है और उधमपुर को दोबारा स्वस्थ बनाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं शेख तंजीर अहमद, प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी उधमपुर। मैं शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर जितेंद्र जी का और उनकी पूरी टीम का कि वो आज जामिया मस्जिद उधमपुर में आए, और जिसकी चीज की आज महामारी में सबसे ज्यादा जरूरत है वो चीजें प्रोवाइड कराई गई। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो भी ये चीजें प्रोवाइड की गई हैं इनको जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। और मैं, ये मेरे भाई काउंसलर हैं, ये हर समय हमारी मदद करते रहते हैं,
और मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ तमाम ईदगाह कमेटी की टीम की ओर से, जनाब इनका अपने जो हमारा युवा मोर्चा जो भारतीय सुशांत जी का, विवेक जी का और अपने काउंसलर साहब का, वकील साहब का, कि वो आज यहाँ पे आए, हमें मुबारकबाद भी दी और हमें ये ईद का तोहफा भी दिया। और आज हमने जो मस्जिद में जो दुआ की गई, सभी जो हमारे जो उलमा है उन्होंने दुआ की कि ये जो वबा है, जो ये बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता हमें कमजोर कर रही है, इसको अल्लाह ताला हमारे स्टेट जम्मू कश्मीर से, हमारे मुल्क हिंदुस्तान से इसको बीमारी को खत्म करे, ताकि हमारे जो लोग हैं वो खुशहाल हों और अच्छी तरह से वो आने वाले त्यौहार जो है सारे रल मिलके मनाएं। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं आपकी पूरी टीम का।